दुनिया की ऊर्जा का कारक माने जाने वाले सूर्य पर हर साल लगने वाले ग्रहण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं एवं मान्यताएं मानी जाती है कि हर साल सूर्य पर जब ग्रहण का संकट आता है तो इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वही ग्रहण के दौरान बहुत सी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि हर साल लगने वाले सूर्य ग्रहण के पीछे आखिर कहानी क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच विवाद खड़ा हुआ था, तो इसके समाधान के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसके बाद उन्होंने देवताओं और दानवों को अलग अलग पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा, लेकिन भगवान विष्णु की इस चालाकी को दानव राहु समझ चुका था, जिसके चलते उसने धोखे से देवताओं की पंक्ति में लगकर अमृत पान कर लिया। देवताओं में से चंद्र देव और सूर्य देव ने राहु को अमृत पान करते हुए देख लिया और इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु की मृत्यु नहीं हो पाई क्योंकि वो पहले ही अमृत पान कर चुका था। इस घटना के बाद धर से अलग हुआ राहु और बाकी का शरीर केतु नाम से जाना गया। सूर्य देव और चंद्र देव द्वारा राहु की शिकायत भगवान विष्णु से करने के कारण इस घटना के बाद राहु केतु सूर्य देव और चंद्र देव को अपना दुश्मन समझ बैठे, और यही कारण है कि हर साल राहु केतु सूर्य देव पर अमावस्या के दिन और चंद्र देव पर पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगाते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।